हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जागृत हो और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो तो और मैं अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ HCF और LCM निकालने का ऐसा तरीका जो अगर आपको डेली रूटीन में भी अगर आपको HCF LCM निकालना पड़े ना तो आपको ना मतलब एक मिनट नहीं लगेंगे इसे निकालने में। तो हो सकता है बड़ा नंबर लगने में और निकालो तो हो सकता है इसमें ज़्यादा लग गई टाइम, पर अगर आपको 100 से कम के मतलब मान लो आप बड़ा नंबर निकाल दें 100 से ज़्यादा के का और मतलब उसके ज़्यादा फैक्टर्स से हों तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, बट अगर 100 से कम के जितने भी नंबर हो या फिर ज़्यादा में भी काफ़ी अच्छा काम करता है तो फिर उसमें सबसे अच्छा तरीका है आप HCF LCM को निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे बेस्ट तरीके बताने वाला हूँ इन दोनों को दिखाने के। तो सबसे पहले मैं बता दूँ HCF। सो HCF में क्या होने वाला है, HCF अभी हम LCM को हटा देंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले HCF। आपने हाँ एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 24, 68 और 84। तो फिर जब हम ये लेंगे तो फिर इसके इसका काफ़ी अच्छा तरीका है एक, तो हमें इन दोनों के तीनों को ऐसे लाइन से लिखना होगा। जब ऐसे हम लिख लेंगे तो फिर अब हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो निकाले किस तरीके से हैं, जैसे ये है 24 के फैक्टर्स। जब मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो फिर 2 क्या है, 2 इज़ अ फैक्टर और जब हम 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा 12 बचा। और अब इधर हम एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर हम वापस से 2 करेंगे 6 बचा, फिर वापस एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब हम वापस से 2 से भी कर सकते हैं 3 से भी कर सकते हैं, हमें ना यहाँ पे बस प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स आपको पता होगा, तो हम यहाँ पे बस प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो 2 4, अब यहाँ पे हमारे पास जब हमने 6 को वापस से 2 से कर दिया तो अब हमारे पास बस 3 बचा। अब हमारे पास क्या बचा है, 3। और जब हम अब यहाँ पे 3 लिख देंगे अब हमारे पास क्या बचा, 1। तो इसका मतलब ये हमारा 24 का एक तरीके का एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला बन गया है। अब हम 68 का करेंगे 2, तो फिर अब वो हो जाएगा 34। 34 पे फिर हम करेंगे 2, हो जाएगा 17। अब 17 और डिवाइड नहीं हो सकता तो हम 17 लिख देंगे, क्योंकि 17 वैसे ही एक फ्रंट फैक्टर आ गया है तो इंटू 17। अब आंसर वापस से क्या आ गया हमारा, 1। और अभी और डिवाइड नहीं हो सकता, ये है 68 का फॉर्मूला। और ये अब 84 की बारी है, 84 को 2 से करेंगे तो फिर क्या बचेगा 2 का, 84 को हमने 2 से किया तो वो बचेगा 42। अब हम 42 को वापस 2 से कर देंगे हो जाएगा 21। फिर हम 3 से करेंगे तो फिर 7 बचेगा और 7 और नहीं हो सकता तो अब 7 और हमारे पास वापस आ गया 1। तो इसका मतलब ये 2 × 2 × 3 × 7 ये हो गया 84 का फॉर्मूला। अब हमें इनमें से क्या करना है जिससे हमारा HCF क्लियरली निकल जाए, तो इसके लिए बहुत छोटे से बात है। अब हमें इनमें से सबसे कॉमन चीज़ें देखनी है जो कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल इन तीनों में जो पहला नंबर है 2 2 2 2 2 2 तीनों में कॉमन है, तो हम 2 को एक ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 2 इधर कॉमन है। और इनमें अगला नंबर और क्या कॉमन है, फिर से यहाँ पर 2 और भी कॉमन आ रहा है, इसमें एक और बार 2 कॉमन है तो एक और बार 2 को कर दो। यहाँ पे अगला क्या कॉमन है, अगला यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। हो सकता है इन दोनों में 3 3 कॉमन है बट यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 17 है पर इन दोनों में नहीं है, यहाँ पे 7 है वाकर इन दो, तो इसका मतलब हमारे पास 2 और 2 आ गया है। अब हम इस सब को हटाएंगे और अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 2, 2 बार 2 कॉमन है तो हम लिखेंगे 2 × 2, 2 बार 2 कॉमन हो गए तीनों में। अब जब फिर हम इसका इनको मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे तो 4, तो HCF क्या होएगा हमारा 4, इन तीनों का HCF फिर हमारा 4 निकल गया है। अब हम चलो अगर आपको ये पता चल गया तो ये मैंने बताया, पर आप इस ट्रिक से इतनी जल्दी HCF निकाल पाएंगे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो अब देखते चलो LCM कैसे निकालेंगे। वैसे तो HCF निकालने के बहुत तरीके हैं पर मैंने आपको फास्टेस्ट तरीका बताया था, तो ना अब चलो देखते हैं LCM निकालने के लिए। मैंने इस वीडियो में कुछ ज़्यादा बताया नहीं, मैं अगली वीडियो में बताने की पक्का कोशिश करूँगा इनकी डेफिनेशंस
बाकी चीज़ें बताने भी की भी मैं कोशिश करूँगा। अभी मैंने ज़्यादा इसमें बताया नहीं है क्योंकि अभी मतलब मैं बस आपको फास्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ। तो चलो अब एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम के दो तेज तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका पहले वाले तरीके से मिलता जुलता है। जैसे ना हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 18। अभी मैंने छोटा सा ही एग्जांपल लिया। तो फिर अभी 24 18 है, तो हमने 24 के वापस से हम सेम चीज़ करेंगे। 2 12 बचा, 2 6 बचा, 2 3 बचा और 3। अब इसका वापस करेंगे 2 9 बचा, 3 3 बचा, 3 और 1 बच गया। अब इन सब का निकल गया इनका फॉर्मूला। अब हम इसमें करते वो चीज़ नहीं है जैसे पहले की तरह हम इसमें नहीं करते। इस बार इसमें थोड़ा डिफरेंट करेंगे हम। अब इसमें हमें देखना है टोटल कितने नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे कितने नंबर्स हैं टोटल, 2 है और 3 है। मतलब यहाँ पे बस 2 और 3 में इन दोनों के फॉर्मूलाज निकल गए हैं। इसमें 3 बार 2 यूज़ हुआ है, 1 बार 3 यूज़ हुआ है। इसमें 1 बार 2 यूज़ हुआ है, 2 बार 3 यूज़ हुआ है। तो फिर बस इसका मतलब 2 और 3 में इन दोनों के फॉर्मूले निकल गए हैं। अब हमें इनमें क्या करना है, हमें देखना है कि 2 सबसे ज़्यादा बार कौन से में यूज़ हुआ है। तो 2 सबसे ज़्यादा बार कौन से में यूज़ हुआ है, तो ऑफकोर्स ये 24 में यूज़ हुआ है। एक सेकेंड, तो ये 24 में ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। अब जब आपको दिख रहा है 24 में ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो फिर जहाँ पे भी 2 यूज़ हुआ है हम उसे एक तरीके से मार्क कर लेंगे। ये मार्क हो गया और जो बाकी का 2 बचा है उसे क्रॉस कर दो। अब बस 3 और बचा है। अब 3 ज़्यादा किस में निकला है, 3 ज़्यादा 18 में निकला है। 24 में बस 1 बार 3 आया है, 18 में 2 बार 3 आ गया है। तो फिर हम इस 3 को क्रॉस करके इनको ऐसे सर्कल कर देंगे। अब जब ये हो गया तो फिर ये जो 2 3 2s आए थे, तो फिर हम इसमें कर देंगे 2 into 2 into 2। हाँ हो गया। अब इसमें हम ये 2 बार जो 3 है इन्हें भी ऐड कर देंगे, into 3 into 3। अब हमें इसका आंसर निकालना है। ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 3 हो जाएगा 24 24 का 3 हो जाएगा 72। तो 72 हमारा क्या निकल गया, 72 हमारा निकल गया इसका एलसीएम। तो 72 है। तो आपको ये पता चल गया होगा शायद, समझ आ गया ये तरीका। तो अब मैं दूसरे तरीके की बोल, तो जो एलसीएम निकालने के लिए फिर भी काफ़ी अच्छा तरीका है। एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका भी काफ़ी इजी है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने जैसे लिया एग्जांपल के लिए 28 और हमने लिया 60 64। चलो तो ये हमने एग्जांपल्स लिए। तो अब हमें इसे दूसरा तरीका कुछ ऐसा है कि ऐसे बजाने की जगह हम इसको कॉमास में लिखेंगे 28 और 64। और फिर हम एक इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है, पर मैं तब भी बता रहा हूँ। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, जो सबसे ईजीएस्ट और कॉमन तरीका है एचसीएम निकालने का। एचसीएम भी इस तरीके से निकल सकते हैं, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो वो उसका सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस तरीके से भी निकल सकता है, पर जिसमें थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। तो जैसे अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका वो निकालना है, इसका जो बिल्कुल कॉमन फैक्टर है, जो उसका कॉमन फैक्टर ना वो प्राइम होना चाहिए। वो फैक्टर प्राइम नहीं होगा तो हम उसे यहाँ पर नहीं लिख सकते। इनका कॉमन एक 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ऑफकोर्स इनमें 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, एक और लाइन बना देंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 28। सो फिर ये तो ये हो जाएगा 14 ईयर्स। पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, तो ये 14 हो गया अब इसका। तो फिर अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 14 और यहाँ पर 64 का हाफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 32। तो 14 और 32 बचा।
अब यहाँ पे फिर से टू से दोनों हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर फिर से टू लिख सकते हैं, हमें वापस से लिखेंगे, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा यहाँ पर 16। अब जब ये ऐसे हो जाएंगे, अब आप देख सकते हैं दोनों एक साथ डिवाइड नहीं हो सकते। फिर हम पहले एक को करेंगे, जैसे कि अगर हम पहले से वापस से टू से कर देंगे तो 7 इस बार टू से डिवाइड नहीं हो सकता, पर हम 16 को ही करेंगे, तो फिर हम 7 को 7 ही लिखे रहेंगे और 16 को कर देंगे, और ये हो जाएगा 8। और फिर अब हम यहाँ पे 7 से कर देते हैं, क्योंकि पर 8 7 से नहीं हो सकता, पर तब भी कर देंगे, तो फिर ये बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8। तो हमें ना दोनों को 1 लाना पड़ता है, तब हमारा वो निकलता है। तो अब हम यहाँ पे एक बार फिर से 8 8 तो नहीं कर सकते, वो एक प्राइम फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे वापस से 2 करेंगे, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये निकल जाएगा 4, वापस से 2, ये 2 और यहाँ 1, और वापस से यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1। तो अब हमारा निकल गया है ये, और जब दोनों 1 आ गए, अब हमें इसके नीचे नहीं करना, तो अब हमें करना है 2, हमें इन नंबर्स में यहाँ पर मल्टीप्लाई की तरह लिख देना है, 2 × 2 × 2 × 7 × 2 × 2 × 2। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 8 2 3 4 5 6 और 8 7। तो फिर ये हो गया, अब हमें इसे करना है 2 4 2 4 8, 8 और 8 and 7 हो जाएगा हमारा। अभी मैं एक सेकेंड इसे कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ आंसर। मैंने अभी इसका निकाला, तो इसका आंसर निकला है हमारा 448। तो ये था हमारा आंसर। तो ये था एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका। तो अगर आपको ये इजीएस्ट वे अगर आपको अच्छी लगी, तो फिर इस चैनल को पक्का लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा एलसीएम के बारे में और भी। तो जब तक के लिए थैंक यू।